हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर को फिनिश करेंगे, क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस का वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। लास्ट पार्ट है, यहाँ पे चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक के बारे में हम करेंगे, दैट इज द प्रेसिडेंट। जैसे कि हमने पढ़ा था पार्ट नंबर 3 में, प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है, प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। स्टेट का मतलब यहाँ पे पूरी कंट्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है इनके द्वारा। सो हेड ऑफ द कंट्री यहाँ पे बात की गई है। सो अवर पॉलिटिकल सिस्टम, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें जो हेड है स्टेट का, मतलब कि प्रेसिडेंट है, इनके पास जो पावर्स होती है वो नॉमिनल पावर होती है। नॉमिनल पावर क्या होती है, मतलब नाम मात्र की ही पावर इन्हें दी हुई है। एक्चुअल में यहाँ पे ये सुप्रीम पावर हम नहीं बोल सकते, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर को दी गई है पावर्स। ठीक है, बहुत सारी पावर्स दी गई है डिसीजन लेने की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्हें नॉमिनल पावर दी गई है। प्रेसिडेंट यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए जाते लोगों के द्वारा, उन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है, जो MPs है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो MLAs है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो इनके द्वारा इन्हें इलेक्ट किया जाता है। वैसे यहाँ पे डिटेल में अगर देखना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे कुछ वीडियो जो UPSC के लिए लक्ष्मीकांत की यहाँ पे बुक है उसमें मैंने डिटेल में बताया है प्रेसिडेंट के बारे में, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन किए हैं जो IAS में आए हुए हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट जो यहाँ पे प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पे खड़ा है, अब यहाँ पे उसे मेजोरिटी वोट्स हासिल होने चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए। यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती हैं सभी यहाँ पे प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। जितने भी डिसीजन बनाए जाते हैं, जितने भी कानून बनाए जाते हैं, वो सभी प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। जैसे जितने कानून हो गए, पॉलिसी डिसीजन हो गए, मेजर अपॉइंटमेंट हो गए गवर्नमेंट की, ये सभी इशू किए जाते हैं प्रेसिडेंट के नेम के ऊपर। अब इसमें जैसे कि अपॉइंटमेंट की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो स्टेट है इनके जो जजेस हो गए, या गवर्नर हो गया स्टेट्स के, या इलेक्शन कमिश्नर हो गया, एम्बेसडर्स हो गए जो अदर कंट्रीज के, ये जितने भी होते हैं ये सभी किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये सभी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट इन्हें किया जाता है। और जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज यहाँ पे संधियां की जाती हैं या एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं वो भी प्रेसिडेंट के नाम पे ही किए जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि नॉमिनल पावर, सिर्फ नाम मात्र की ही पावर दी गई है, मतलब कि अब यहाँ पे ये जितना भी यहाँ पे एग्रीमेंट वगैरह साइन करवाए जाते हैं या ट्रीटीज होती हैं ये प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं, लेकिन इन्हें एक्चुअल में प्रेसिडेंट नहीं करता। यहाँ फॉरेन कंट्री में जा रहा है, यहाँ पे ट्रीटी साइन कर रहा है, नहीं, ये सभी कार्य किनके द्वारा किए जाते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर जो पार्ट नंबर 3 में हमने देखा था, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जिन्हें दी गई थी, ये सारे कार्य इन लोगों के द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं किए जाते। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं। प्रेसिडेंट यहाँ पे सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का इंडिया में। प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे बहुत सारी पावर्स है, जैसे कि पावर्स जो होती हैं या इनके ऊपर जो काम करता है वो किसकी एडवाइस के ऊपर करता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर करता है यहाँ पे। तो बिल यहाँ पे जो पास किया जाता है पार्लियामेंट में वो कानून तभी बनेगा जब उसके ऊपर प्रेसिडेंट की सहमति होगी। तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उसे अपने पास रोक के भी रख सकता है बिल को, लेकिन यहाँ पे अगर वो वापस सेंड करता है पार्लियामेंट की में कि इसके ऊपर यहाँ पे फिर से विचार विमर्श किया जाए, इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, फिर वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे पास हो गए, जो जो भी प्रोसीजर है यहाँ पे आने वाली क्लासेस में आपको डिटेल में पता लगेगा जो भी प्रोसेस होता है। अब जैसे फिर से अगर यहाँ पे ये कानून प्रेसिडेंट के पास, यहाँ पे जो एक्ट है प्रेसिडेंट के पास जाता है, सो दूसरी बार यहाँ पे प्रेसिडेंट बाउंड होते हैं कि इसे साइन करने ही होंगे यहाँ पे, ये फिर यहाँ पे सेकेंड टाइम वापस नहीं भेज सकता। क्लियर है? यहाँ पे ये कुछ पावर्स दी गई हैं। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 मई 2019 को राष्ट्रपति भवन में श्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ इन्हें दिला रहे हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे दिखाया गया है जो चीफ जस्टिस हैं भारत के, JS केहर, 25 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में सांसद जो पार्लियामेंट है यहाँ पे श्री रामनाथ कोविंद को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ यहाँ पे दिला रही हैं।
तो क्लास नाइन्थ की सभी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको वीडियो को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं। सो जुडिशरी के बारे में देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है जुडिशरी। यहाँ पे इंडिपेंडेंट, पावरफुल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए से माना जाता है। तो यहाँ पे जितने भी कोर्ट्स हैं अलग अलग लेवल्स के ऊपर कंट्री में, सभी को अगर मिला दिया जाए तो उसे क्या बोला जाता है, जुडिशरी बोला जाता है। जो इंडियन जुडिशरी, अब इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा जो पूरे कंट्री के लिए, भारत के लिए, हाई कोर्ट यहाँ पे स्टेट्स के लिए अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आज का क्वेश्चन आप लोगों ने बताना है कि इंडिया में कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कोर्ट्स यहाँ पे लोकल लेवल के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो इंडिया, यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी आपको देखने को मिलेगी। सो इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कंट्रोल करता है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कंट्री में। अगर तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होंगे वो सभी कोर्ट्स के ऊपर बाइंड होते हैं, मतलब कि यहाँ पे सुप्रीम या अपेक्स कोर्ट माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को। अब यहाँ पे जितने भी झगड़े होते हैं सभी को सॉल्व किया जाता है, जैसे कि नागरिकों के बीच अगर कोई भी झगड़ा है बहुत बड़े लेवल के ऊपर है तो यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे, या सिटीजन और गवर्नमेंट सरकार के बीच में झगड़ा है, या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में झगड़ा चल रहा है, ठीक है, जैसे पानी को लेकर हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स में देखने को मिलेगा। सो ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं केस। गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों के बीच जो झगड़े होते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्हें सॉल्व किया जाता है। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाईएस्ट कोर्ट, अपील यहाँ पे की जाती है सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों की। सो यहाँ पे इसके द्वारा सुना जाता है, यहाँ पे जो हाई कोर्ट के डिसीजन होते हैं उन्हें भी यहाँ पे उनके अगेंस्ट भी ने वो सभी केस भी यहाँ पे सुने जाते हैं। लेट सपोज कि अगर तो यहाँ पे लोअर कोर्ट के ऊपर कोई भी केस चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे ये जो लोअर कोर्ट में ये जो केस चल रहा है ये इसने डिसीजन सही वे के साथ नहीं लिया, तो हम यहाँ पे ये वाला जो केस है ये हम हायर कोर्ट में ले जा सकते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ले जा सकते हैं। क्लियर है? सो इंडिपेंडेंस यहाँ पे जो जुडिशरी है इसका मतलब ये है कि जो जुडिशरी है वो किसी के यहाँ पे ना तो लेजिस्लेचर ना ही एग्जीक्यूटिव, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आती। तो जजेस होते हैं यहाँ पे वो गवर्नमेंट के कहने के ऊपर काम नहीं करते, ये अपनी मर्जी के अनुसार जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग ही ये अपना कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, अब इन्हें अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, इसे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सो यहाँ पे प्रेसिडेंट अब किसकी मदद लेगा इन्हें अपॉइंट करने के लिए, एक तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की मदद लेगा और दूसरा यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सो इनकी मदद से यहाँ पे ये जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन्हें अपॉइंट करने का कार्य किया जाता है। सो अगर तो एक बार यहाँ पे कोई भी जजेस यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तब यहाँ पे उसे हटा पाना अपनी पोस्ट से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे अगर तो किसी भी जज को यहाँ पे हटाना है तो उसे इम्पीचमेंट प्रोसेस या मोशन के द्वारा उसे हटाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो पार्लियामेंट है इसमें यहाँ पे जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी कि 67% वोटिंग होनी चाहिए, तब जाके यहाँ पे इसे हटाया जा सकता है। लेकिन इसे पहले यहाँ पे 14 दिन का नोटिस देना होता है कि जजेस के खिलाफ या प्रेसिडेंट के खिलाफ भी, अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट को भी पोस्ट से हटाना है। तो यहाँ पे ये जो जजेस का केस है यहाँ पे कभी भी इंडियन हिस्ट्री में कभी भी नहीं देखा गया। सो यहाँ पे ये अगर कोई भी कानून यहाँ पे लेजिस्लेचर के द्वारा या एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाया गया है कोई भी कानून, उसे यहाँ पे इनवैलिड घोषित कर सकती है। कब कर सकती है? जो यूनियन लेवल या स्टेट लेवल पे बनाए गए हैं, अगर तो यहाँ पे जुडिशरी को लगता है कि ये संविधान के खिलाफ यहाँ पे ये कानून या एक्शन लिया गया है सरकार के द्वारा, तब उसे यहाँ पे कानून को वो नेग्लेक्ट कर सकती है, मतलब कि खत्म कर सकती है। ये पावर किसके पास है? ये पावर जुडिशरी के पास है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, अपने आसपास सफाई रखें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाएं, ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना, यही हमारा लक्ष्य है। सो जय हिंद, हैव अ फैंटास्टिक डे।